हेलो व्यूअर्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक बार। DHCP सर्वर की थोड़ी सी सीरीज मेरी अनकम्प्लीटेड रह गई थी, तो उसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी। और मैं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह शुरू करता हूँ आपके लिए DHCP डेटाबेस बैकअप एंड रीस्टोर। तो इसमें हम करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए DHCP सर्वर मेरा चल रहा है, तो जैसे मान लीजिए कभी मेरा DHCP सर्वर कोई दिक्कत करने लगता है, या हो सकता है कोई स्कोप या फिर कुछ भी चीज़ मुझसे गलती से डिलीट हो जाती है DHCP के अंदर से। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मुझसे गलती से डिलीट हो गई है तो उसको मैं वापस ला सकूँ। तो इसके लिए मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, जो है मेरा बैकअप एंड रिस्टोर। तो आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू बैकअप एंड रिस्टोर DHCP सर्वर डेटाबेस। सो इसके लिए ये मेरी लैब है, ये आप समझ सकते हैं, ये लैब का पार्ट नंबर 2 समझ लीजिए। और अभी देखिए लैब की तरफ चलते हैं हम। दिस इज माई सर्वर मशीन, वही जिस पर मैंने अभी लास्ट लैब परफॉर्म करी है आपके सामने। इसको मैं लॉग इन करता हूँ, और लॉग इन करने के बाद ASD+123, ठीक है। तो देखते हैं DHCP पे करके कैसे हमारा काम परफॉर्म होता है इस पर, तो कैसे हम टास्क को अपने को परफॉर्म करेंगे, कैसे अंजाम देंगे। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर मैं सर्वर मैनेजर में जाना पड़ेगा इसके लिए मुझे, और या फिर रन में DHCPMGMT.MSC करके मैं DHCP सर्वर मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, और यहाँ DHCP पे ये जो मेरा सर्वर है इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऑप्शन आएगा बैकअप, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी बैकअप की जो लोकेशन होती है वो मेरे System32 के अंदर बैकअप नाम के फोल्डर के अंदर जाती है, मगर मैं अपने इस बैकअप को डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना देता हूँ, DHCPBACKUP के नाम से। ओके, और यहाँ देखता हूँ मैं DHCP बैकअप, और यहाँ देखिए DHCP का यहाँ पर मेरा बैकअप भी हो गया है। MDB डेटाबेस फाइल वगैरह यहाँ आ चुकी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस चीज को एक बार, DHCP मैनेजर से। यहाँ DHCP पे, यहाँ चलिए ठीक है, देखते हैं। अभी बैकअप हो गया है तो मैं यहाँ पर DHCP इस पे जाता हूँ, और यहाँ जस्ट गिव मी 1 मिनट, राइट क्लिक ऑन स्कोप, आई डिलीट इट, और यस डिलीट करने का देखो, रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। भैया हम देखते हैं कि DHCP, यहाँ देखो स्कोप जो है मेरा डिलीट हो गया है, और मैं देखता हूँ क्या कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पे मेरे रिसाइकल बिन में चला गया हो, नहीं गया है, मगर मैं चाहता हूँ इसको अपने को वापस लाना। क्या है अपने स्कोप वगैरह, यानी कि जो DHCP का मैंने बैकअप लिया था इसको वापस लाना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको हम वापस कैसे लाते हैं। इसके लिए फिर से मैं DHCP के अंदर जाता हूँ वापस, और यहीं पे मैं राइट क्लिक करूँगा, DHCP राइट क्लिक, रीस्टोर। रीस्टोर करने के बाद इसके बैकअप का पाथ क्या था, डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर DHCP, और ओके यस। और थोड़ी देर वेट करते हैं, और यहाँ पर डेटाबेस रिस्टोर सक्सेसफुली, और यहाँ इसको एक बार देखते हैं फिर से स्कोप,
देखिए वापस आ गया है, सारी चीज़ें वही, देखिए सारी चीज़ एज इट इज वापस हो गई हैं। इस तरह से हम अपने DHCP सर्वर के बैकअप के डेटाबेस को बैकअप एंड रिस्टोर कर सकते हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इससे हमारे काफ़ी चीज़ें हद तक सुरक्षित बनी रहती हैं, और बैकअप का मेन रिडंडेंसी पर्पज हमारा यही होता है। सो व्यूअर्स, थैंक यू एंड बाय बाय, एंड आई विल कंप्लीट माई न्यू सीरीज दैट इज ऑन एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, तो एक्टिव डायरेक्टरी की अपनी सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू रखना चाहूँगा काफ़ी दिनों तक, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी काफ़ी लंबा टॉपिक है, और एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आपको जिस तरह की लैब की ज़रूरत है, आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करें और मैं उसी चीज़ के ऊपर आपको वीडियो बना के दूंगा। वैसे मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको कुछ भी कहने की, कमेंट करने की ज़रूरत ना लगे, मैं सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक प्रोवाइड कराता रहूं। बट फिर भी एक दिल की तसल्ली के लिए मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल के वीडियोस को सब्सक्राइब करें, व्यू करें और अपने कमेंट दें, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं कितने लोग मुझे लाइक कर रहे हैं। तो व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने रिक्वायरमेंट को मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उन लोगों के लिए बना सकूं।